बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये माशाल्लाह हमारे बड़े ही प्यारे जानवर हैं, मिल्किंग एनिमल हैं। अर्ली लैक्टेशन में चंद एक हैं जो मिड लैक्टेशन में हैं। अर्ली लैक्टेशन से मुराद जिनके सुए को भी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। पहले दिन से लेकर 90 दिन तक अर्ली लैक्टेशन है। 90 दिन से लेकर 180 दिन तक ये मिड लैक्टेशन है। उससे आगे फिर 3 महीने जो हैं वो लेट लैक्टेशन के। अच्छा, ये मिल्किंग एनिमल है। आज जो सबसे ज़रूरी बात मैं शेयर करना चाह रहा था मोथी वैक्सीन के हवाले से। फील्ड के अंदर वैक्सीन होती है जानवरों की, बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ कुछ फार्मर्स मेरे ख्याल से रह जाते हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है जानवरों की वैक्सीनेशन के हवाले से। एक तो सबसे पहले बता दूं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो 2 बीमारियों की वैक्सीन है। एक गलघोटू की है और एक है मुंह खुर की। गलघोटू की होती है जब आप, मतलब है कि हमारे फुल गर्मी या फुल सर्दी का जब मौसम होता है ना, उन दिनों में गलघोटू की वैक्सीन होती है। मतलब जैसे आजकल जून का महीना है, जून में होगी और दिसंबर के महीने में होगी जब फुल सर्दी होगी। और मुंह खुर की होती है जब मौसम मुतदिल होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। मार्च के अंदर होगी और सितंबर के अंदर होगी। आजकल मौसम है इसका गलघोटू का, तो अपने करीबी अगर जानवरों की वैक्सीन नहीं हुई, वैसे तो हॉस्पिटल का अमला दिन रात कोशिश करता है कि मैक्सिमम क्या तकरीबन हर फार्मर को मतलब है कि कवरेज मिल जाए। अगर फिर भी किसी के जानवर रहते हैं तो बराए मेहरबानी जानवर को वैक्सीन करवा लें। और मुंह खुर एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जानवर मरता नहीं है, ऐसे समझे कि फार्मर बेचारा मर जाता है। एक दफ़ा अगर किसी जानवर को मुंह खुर आ जाए ना, तो फिर उसके जानवर की प्रोडक्शन उतनी नहीं रहती जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल होता है। और हमारे मुल्क में से इसी वजह से गोश्त भी हम बाहर है इसी वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि इस चीज़ का थोड़ा इशू है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से पिछले 4 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया था। नसीम सादिक साहब का अक्सर मैं हवाला देता हूँ, कोल्ड चेन सिस्टम उन्होंने एक मुतारफ़ कराया था। मतलब वैक्सीन जो है जहाँ हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर होती है लाहौर, वो कोल्ड रूम के अंदर होती है और वहाँ से भी जो फिर आगे सप्लाई की जाती है, गवर्नमेंट पंजाब ने ट्रक परचेज किए थे, उनके अंदर भी एक कूलिंग सिस्टम है। हॉस्पिटल के अंदर भी फ्रिज है, मतलब है कि क्वालिटी इंश्योर्ड है। जो वैक्सीन मिलेगी ना वो हाई क्वालिटी की होगी। अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे भी अब हम पिछले जब से मैं आया हूँ तब से हो रही है और इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। वैक्सीनेशन को आप लोग सीरियस लें। अगर फ़र्ज़ करें किसी का कोई जानवर रह भी गया है किसी के, तो आप हॉस्पिटल इतला दें, वहाँ से जाके तो करवा लें। ये फ्री होती है। मुँह खुर की वैक्सीन भी अगर फ़र्ज़ करें कभी परचेज़ करनी पड़ती है, वो भी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। मेरे ख्याल से 50 रुपये की शायद एक जानवर की डोज है, कीमत का मुझे पता नहीं है। बहरहाल कोशिश करें कि जानवरों को ना वैक्सीन लाजमी करवाएं। और इंडिया के अंदर डिजीज़ फ्री जोन बने हुए हैं। डिजीज़ फ्री जोन का मतलब है कि जैसे उन्होंने एक ऐसे समझेंगे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने डिक्लेयर करवा दिया है इंटरनेशनल से कि हमारे यहाँ कोई डिजीज़ नहीं है। तो उनका फ़ायदा ये है कि हर साल अरबों खरबों रुपये का गोश्त जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। इसीलिए ना मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मतलब है हम भी कोशिश तो यही है कि पूरा पाकिस्तान ही डिजीज़ फ्री जोन डिक्लेयर हो, लेकिन जितना जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक कोशिश कर रहे हैं कि एरिया बहुत ज़्यादा हम कवर कर लें ताकि मीट की जो हमारी एक्सपोर्ट है ना वो बढ़ जाए। बाकी आजकल गर्मी का आपको पता है, अब ये जानवरों की फीडिंग देखें। सुबह के वक्त हम ये अंदर वाली खुली है, इसके अंदर तकरीबन ऐसे समझे एक जानवर के हिसाब से 10 किलो चारा आता है, 10 किलो या 15 किलो इतना ही डाल देते हैं। बाकी फिर सारे दिन जानवर इसी तरह बैठे रहते हैं, जुगाली करते हैं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जानवर फीडिंग हम दिन के वक्त कम से कम ही करवाएं। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक तो आजकल गर्मी की वजह से जानवर भी तंग हैं। फिर ये है कि इनकी फीडिंग करवा के ना हम जानवर को हम तालाब में भेज देते हैं। जानवर की एक दफ़ा जब फीडिंग होगी ना, फिर वो खुशी से नहाएगा और जो हीट का जो इफ़ेक्ट है ना, हीट स्ट्रेस जिसे कहते हैं, वो भी बहुत कम होता है जानवरों पर। तो थोड़ा सा चारा डाल के इनको फिर हम भेज देते हैं तालाब में। शाम के वक्त फिर इनको पूरी ट्राली डालते हैं। अब ये खाते रहेंगे, रात के वक्त तक खाते रहेंगे। अब टेम्परेचर ज़रा कम है, अब हीट स्ट्रेस का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। और इस चीज़ का प्रोडक्शन पे बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ना सिर्फ प्रोडक्शन पे बल्कि जानवर की हेल्थ के ऊपर भी।
वरना गर्मी के अंदर मुमी तौर पर जानवर अक्सर कमज़ोर होते हैं। इनमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई जानवर भी ऐसा नज़र नहीं आएगा। ये देखें प्रोडक्शन सबकी बहुत अच्छी है प्रोडक्शन। अभी एक जैसे जैसे हमारे जानवर ड्राई होते हैं, मतलब सुआ कंप्लीट होता है, उनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फिलहाल इस साल जो मैक्सिमम प्रोडक्शन आई है ना हमारे पास, वो आई है 324 दिन की 3345 लीटर, 10.5 लीटर एवरेज बन रही है ये एक दिन की। और पीक प्रोडक्शन उसकी थी जानवर की माशाल्लाह 16-17 से ऊपर थी, दूसरे सुए की छोटी थी। अब मज़ीद कुछ जानवर इनमें हैं, उम्मीद बड़ी, मेरा टारगेट तो यही है कि 4000 लीटर से ऊपर हो हमारी प्रोडक्शन। और उम्मीद बड़ी है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा तो सरप्लस साइलेज भी है, हर चीज़ अवेलेबल है, तो कोशिश मेरी होगी कि 4000 लीटर से हम ऊपर लेके जाएं, प्रोडक्शन गाय के बराबर आ जाएं। अगर आप भैंस का कंपैरिजन करते हैं ना गाय के साथ, तो भैंस के दूध की जो फैट है, इसकी फैट है 6.5 से ऊपर ही होती है, 7 समझ लें, और गाय की है 3.5। अगर भैंस का दूध फ़र्ज़ करें 12 लीटर है, तो ये गाय के 24 लीटर के बराबर बनेगा। फैट करेक्टेड मिल्क अगर आप बनाएं ना, कि उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, फैट जो स्टैंडर्ड वो कहते हैं 3.5 है, वहाँ तक लेके आए, फिर देखें इस हिसाब से आप अपने जानवरों की प्रोडक्शन काउंट किया करें फैट करेक्टेड मिल के, फिर आपको पता चलेगा कि भैंस का एक सुए का कितना दूध बनता है। अब हमारा टारगेट है 4000 लीटर का, 4000 लीटर का अगर हम फैट करेक्टेड मिल्क बनाएं तो तकरीबन 8000 बनेगा, और 8000 बड़ी प्रोडक्शन है। जितना रेट भैंस के दूध का है, मेरे ख्याल से गाय का इतना नहीं मिलता। बाकी आज का मेरा यही था कि वैक्सीन के हवाले से थोड़ा सीरियस लें चीज़ों को, चाहे एक जानवर है, दो है, जितने भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरी से, डॉक्टर से रابطہ करके जानवरों को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं। पंजाब गवर्नमेंट लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट, अब तो बल्कि हमारे मिनिस्टर साहब जो हैं हसनैन बहादुर दरीशक, वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और उनकी मैक्सिमम कोशिश यही है कि हम अपना जो बीफ है ना वो हम एक्सपोर्ट करें, इंटरनेशनल मार्केट बनाएं। तो बहुत से फार्म उन्होंने खुद विज़िट किए हैं, प्राइवेट फार्म, बड़ी दिलचस्पी लेते हैं चीज़ों में। वो बाकायदा चाह रहे हैं कि हम ऐसे मॉडल फार्म बनाएं कि हम शो करा सकें, मॉडल फार्म बनाएंगे, हम दिखाएं लोगों को कि भैंस का जो फार्म है ये प्रॉफिटेबल है, बीफ का जो हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ है। वो बहुत सीरियस ले रहे हैं इस चीज़ को, अल्लाह ताला बेहतर करे जी। ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं फिर ही कामयाबी होती है। अगर अकेले प्राइवेट करेंगे वो भी कुछ नहीं कर सकते, खाली गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, मिलके साथ चलना पड़ता है। चलें जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अगर वैक्सीन के हवाले से या कोई इशू है तो वो मैसेज कर दीजिएगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूँगा।